मतलब इसलिए सेंटर में ही आपका हम रेस्ट आ जाता है। ये देखिए सर, यहाँ पे अपना बोल्टर वगैरह तो नहीं, नहीं कितना वेट झेल सकते। ये देखिए, ये मैं सारा इस पे खड़ा हो गया सर। ये देखिए फिलहाल कुछ नहीं, नहीं दोबारा करना। ये देखिए सर, सारा वेट मैंने इस पे कैरी कर दिया अपना, बट फिर भी आप देख सकते हैं। बोलो, तीन चार्जिंग पॉइंट। बिल्कुल सर, एक गाड़ी में तीसरा चार्जिंग पॉइंट मिल चुका है। हाँ जी जी, क्या हाल चाल है आप सबका। और कार की बात में भैया आप सबका स्वागत है। और कार की बात करेंगे किसके साथ? मेरे साथ। और आज मैं अपनी पहली गाड़ी ले रहा हूँ। कौन सी ले रहा हूँ? रेनॉल्ट काइगर। और इस टाइम हूँ शोरूम में, और आने वाले जितने व्लॉग्स होंगे उसमें इस गाड़ी का क्या रिव्यू रहेगा, अच्छा रहता है बुरा रहता है, सब कुछ आपको बताऊँगा। मेरे साथ है अभय भाई, जो यहाँ पर जिन्होंने मेरे को गाड़ी बेची है। अभी भाई बेसिकली क्या है कि आज पहला दिन है अभी हमारी गाड़ी, वो बाहर लगी है, वो धुलने जा रही है। ये डेमो वर्जन है और सॉरी शोरूम में लगी है। तो ये गाड़ी में बताएंगे क्या क्या फीचर है अभी भाई। सबसे पहले तो यार इसका जो मेरे को धमाकेदार, मैंने एक्चुअली ना इस गाड़ी के बारे में काफ़ी रिसर्च किया। इस गाड़ी का मैं पिछले 15-20 दिनों में ना बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, तो सोचा भैया एक ऑटोमोबाइल चैनल ही खोल लिया जाए। तो आज से ये चैनल की शुरुआत हो चुकी है। पहली गाड़ी ले रहा हूँ और डिलीवरी के बाद कैसी परफॉर्मेंस रहती है, दिल्ली भी जाएंगे, बहुत लंबे लंबे ट्रिप करने वाले हैं इस गाड़ी में, और ए टू जी बताने वाले हूँ। अभी भाई मेरे साथ है। अभी भाई फीचर्स बताओ यार क्यों। थैंक यू सर इतने देने के लिए सर। तो मैं आपको सर काइगर के बारे में बता रही हूँ। ये मॉडल जो खड़ा है RXT मॉडल खड़ा है सर। RXT मॉडल यानी कि थर्ड वेरिएंट। बिल्कुल। और ये क्यों चुना है वो मैं आपको आने वाले दिनों में भी बताऊंगा, आज के व्लॉग में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा यही मॉडल क्यों चुना है और वैल्यू फॉर मनी ये मॉडल क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी की बात करते हैं, इसमें कीलेस एंट्री है ये। विदाउट कीले आप अगर गाड़ी के पास जाएंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, और गाड़ी से दूर जाएंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी सर। जैसे दिखाते हैं एक बार करके। थोड़ा दूर जाना है सर। गाड़ी लॉक हो चुकी है आपके, जैसे आप देख रहे हैं तो गाड़ी लॉक हो गई है। ये पास आते हैं गाड़ी के सर, गाड़ी के पास आए तो गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो गई सर। अनलॉक हो गई बिना सबसे बड़ी अच्छी, बिना की के हमने कुछ नहीं छेड़ा अब तक, और गाड़ी अनलॉक हो चुकी है सर। अरे वाह, आइए सर। तो इसमें सर अगर मैं बात करूँ, 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम दे रहे हैं। हाँ। जो कि अभी तक किसी गाड़ी में इतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है। हाँ। विद एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले के साथ में। अरे वाह, बिल्कुल सर। तो ये बेसिकली ये जो फीचर है ना, बेसिकली इसके जो इंटीरियर्स है वो मेरे को सबसे अच्छा लगा, क्योंकि मैं काफ़ी ड्राइविंग करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव में जाता हूँ, और सबसे बड़ा मेरे को अट्रैक्शन ये लगा भैया यहाँ पर आर्मरेस्ट है, और आर्मरेस्ट भी इतना अच्छा है कि भैया आप आराम से क्रूज की तरह ये गाड़ी चलाओ और भैया लॉन्ग ड्राइव पे निकल लो, आपको थकावट नहीं होगी। बिल्कुल सर। तो एक एक करके इसके सारे फीचर्स समझाना, चलते कैसे हैं, क्या क्या होते हैं। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, जैसे हमें स्टार्टिंग एंड स्पोर्ट का इसमें बटन दिया गया सर। हाँ। स्टार्ट भी यहीं से होगी और स्टॉप भी गाड़ी यहीं से होगी सर। तो जैसे इसमें हम डिस्प्ले की बात करें, इसमें जैसे अपना फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेडियो का सिस्टम है, FM एंड AM दोनों आ जाते हैं। अगर हम इसके रिवर्स की बात करें इसमें अपना, तो इसमें मीडिया आ जाएगा, ब्लूटूथ के साथ अपना कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर हम ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे तो इसके साथ हो जाएगा अपना। तो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों के साथ है। अगर फ़ोन में एंड्रॉइड ऑटो है तो वाईफाई से अपना अटैच हो जाएगा ये। एंड अपना जो एप्पल प्ले है तो अपना वायरलेस, मतलब लगाएंगे अपना ब्लू डाटा केबल, तो उसके साथ अटैच हो जाएगा वो। तो 8 इंच का अपना डिस्प्ले की आराम से हम विजिबिलिटी, अगर मैप समय जैसे पहले एंड्रॉइड उसमें अपने गाड़ी में तो होता था कि इनबिल्ट आता था, बट अब फ़ोन के साथ अटैच हो जाएगी, आपकी फ़ोन की स्क्रीन इस पर आ जाएगी आपकी सारी की सारी। वीडियो भी चलेगी? बिल्कुल, वीडियो पर गाड़ी खड़ी गाड़ी पे चलेगी। क्योंकि नेविगेशन आपका फ़ोन की जो नेविगेशन आपका इसमें इनबिल्ट हो जाएगी, फिर वो फ़ोन के साथ अटैच हो जाएगा आपका। वायरलेस चलेगी फिर वो ब्लू, आपको मतलब ये लगाना है डाटा केबल आपका, वो यहाँ पर लगाना, डाटा केबल लगा के फ़ोन छोड़ देना है आपको, और आपकी फ़ोन की स्क्रीन इस पर आ जाएगी आपकी सारी। अच्छा। आपको फ़ोन उठाना है, काटना है, किस पे करना है, सारा इस पर आ जाएगा आपका। और वैसे अगर वायरलेस सिर्फ फ़ोन ब्लूटूथ वगैरह, ब्लूटूथ से अटैच है। अरे वाह, बिल्कुल। तो इसके बारे में डिटेल्ड एक वीडियो बनाने वाला हूँ आने वाले टाइम पे, कि ये चलेगा कैसे, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, वायरलेस कैसे चलेगा, वायर्ड कैसे चलेगा, वो सारी चीज़ बताऊंगा। और क्या क्या दादा, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये डैशबोर्ड की बात करें। ये सर डॉल टोन डैशबोर्ड के साथ आप देख रहे हैं, जैसे ब्लैक एंड थोड़ा गोल्डन कलर में इतना प्यारा दिया होगा इसका कि फिनिशिंग देखिए अट्रैक्टिव लगती है अपने आपको एकदम सर। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसमें भैया दो बोर्ड दे रखे, दो ग्लोव बॉक्स दे हुए हैं सर इसमें। देन अपना ये नॉर्मल रहेगा, जैसे इसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, इसमें अपना RC वगैरह। एंड ये जो रहेगा आपको सर रहेगा कोल्ड, इसमें आप पानी की बॉटल्स
और मतलब कुछ जैसे रखना ठंडा रखना होता है, एक तरह का फ्रिज हो गया भैया आपका, छोटा कोल्ड सर, ये छोटा फ्रिज यहाँ पर कैन में आ सकते हैं अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो वो आ सकते हैं। ये बुकलेट दे रखी है, ये आपकी आरसी के ऊपर कहीं रख सकते हैं, आरसी वारसी जो भी होगी। बिल्कुल सर, हाँ ये आ गया। और फिर ये तो हमारा बड़ा अच्छा मेरे को लगा था क्योंकि दो स्पेस तो यहाँ पर मिल गया मेरे को। उसके बाद एसी के वेंट देखो, एक दो तीन चार, और बड़े ही अच्छे से इंटीरियर डुअल टोन का रखा है, वो अच्छा लगा मेरे को, इसीलिए मैंने ये वेरिएंट लिया। अब यहाँ से शुरू होते हैं सर ये। हाँ सर, ये अपना पार्किंग लाइट्स हैं, जैसे हमें गाड़ी ख़राब होगी रास्ते में तो उसमें पार्किंग से लाइट आ जाएंगी। ये सेंटर लॉकिंग है, इससे अपने सेंटर लॉकिंग से यहाँ से हो जाएगी अपना। एंड इसमें मैनुअल एसी है सर, अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं कि स्पीड हमने फ़ैन की स्पीड क्या करनी है क्या नहीं करनी है। और सबसे एक मतलब मोस्टली जो आगे के लिए हमें बताना चाहेंगे कि अगर हम जैसे 4 की स्पीड पे मतलब कर देते हैं स्पीड, कस्टमर कहते हैं कि हमें एसी ठंडी हवा नहीं आ रही, तो हमें 4 की स्पीड पर नहीं करना, उससे बस फ़ैन की आवाज़ मतलब स्पीड तेज होगी, ना कि कूलिंग की अगर हमें करनी है तो 2 या 3 पे रखनी है बस, 2 या 3। मैं भी जल्दी, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, अगर मैं पहले i10 चला रहा था उसमें भी मैं 4 पे कभी नहीं करता था, 2 पे करता था, क्योंकि कूलिंग असली उसी पे आती है, मैं 3 पे भी नहीं करता था। बिल्कुल, अगर हम स्पीड फैन बता देंगे कि एसी तेज आ गई, वो एसी तेज नहीं होता, वो खाली फैन की आवाज़ तेज होती है बस। अच्छा ये आ गया, और इसमें ये अपना जैसे मोड्स आ गए, हमें कहाँ पे क्या करना है इजीली आप इसमें, एंड अपने डिफोगर भी आ जाएगा अब इस पे। बिल्कुल सर, और साथ में एसी और ये हीटर भी आ गया इसमें। और सबसे अच्छी बात है यूएसबी कितने वोल्ट की है सर ये चार्जिंग सपोर्ट? वही अपना नॉर्मल जो रहती है 12 वोल्ट के आसपास। अरे सबसे बड़े 2 दिए हुए हैं पॉइंट्स में। अच्छा, एक ये दिया हुआ है और एक ये एक भैया यहां पर दो दिए हुए हैं। आप अपना एक चार्जर एक्सटर्नल लाके वहां पर रख सकते हैं, पीछे भी शायद दिया होगा। बिल्कुल, और ये भैया अब एक जादू दिखाने वाला हूँ जो बेसिकली इसका सबसे बढ़िया जादू लगता है मेरे को, और इसीलिए गाड़ी मेरे को बड़ी फैसिनेट की। मैं पहले बता चुका हूँ ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ ने मेरे को इस गाड़ी लेने में मजबूर किया। हालांकि अब इसका जादू दिखाओ यार भाई। हाँ, अगर देखें हम जैसे आर्मरेस्ट है, हम देखेंगे कि आर्मरेस्ट नॉर्मल कुछ नहीं है, आर्मरेस्ट है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए सर, स्पेस देखो, ये देखिए सर। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 2 बॉटल्स 1-1 लीटर की रख सकते हैं, यहाँ पर कैंस रख सकते हैं, तो मतलब। और ये भी एसी स्पेस है एक तरह का, ये भैया आपका एक और एसी, मतलब इस गाड़ी में 2 एसी हैं भैया, आपकी गाड़ी चल रही है एसी चला के, और 2 फ्रिज हैं सॉरी। ये बड़ी ही अट्रैक्टिव है, गियर बड़ा स्मूदली चल जाएगा आपके अगर आप डाल के धरना भाजी। तो ये देखो भैया, ये बड़े ईजिली आप बैठ सकते हो। अरे वाह। और बात करें अब स्टेयरिंग की, बात करें स्टेयरिंग एडजस्टेबल है, देखिए कहाँ से होता है ये ऊपर नीचे, आपको अपनी हाइट के हिसाब से नीचे हो गया सर। अगर ये फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। अगर तो सर मैं बात करूं अगर गियर की, लोग बस सोचते हैं कि रिवर्स गियर नॉर्मली ऐसे लग जाएगा, पर रिवर्स ऐसा नहीं लगेगा। ये लीवर उठाया और ये ऐसे रिवर्स लगा, और रिवर्स के साथ ही यहाँ कैमरा आ गया, कैमरा आ गया। ये देखिए भैया कैमरा आ गया, और ये कैमरा बता रहा है बेसिकली 360 व्यू नहीं दे रहा, लेकिन ये आपको पीछे वाला व्यू पूरा दे रहा है, और ये कैमरा बंद हो गया जैसे रिवर्स हटाया। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं, हम दो जने बैठे बड़ी कंफर्टेबली बैठे हैं यहाँ पर, और ये आर्मरेस्ट दोनों के काम आने वाला है, एक मैं भी रख रहा हूँ यहाँ पर और ये भाई भी रख रहे हैं, तो ये अच्छा है। और मीटर पे आते हैं, अब इसका सर डिजिटल मीटर रहेगा आपका सर, कि आप देख सकते हैं कि हम मीटर इसको के फीचर था ना मेरे को, इजिली हम देखें इजिली हम छेड़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, छेड़ सकते हैं मतलब, बिल्कुल मतलब जैसे आप सोच रहे, देखो ये डिजिटल मीटर है, हम इस पर हाथ आराम से फेर सकते हैं, इस पर डिस्प्ले कोई दिक्कत नहीं आएगी इसकी। अच्छा, ये देखिए सर। हाँ, जैसे इस पर कोई शीशा वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, आप भी हाथ लगा के देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। और जैसे मेरे को 0 से शुरू करना है, इसके माइलेज टेस्ट करनी है, तो ये देखिए चेंजेस सर, ट्रिप आपका ट्रिप आ गया, रेंज आपकी मतलब। तो यहाँ पर भी देखो भैया, यहाँ पर एक बॉटल स्टैंड दे रखा है, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी स्पेस रखी है, एक स्पेस ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, और भाई की यहाँ पर भी। तो आगे भैया स्पेसिस ही स्पेसिस है विद 2 फ्रिज। अब लाइट की बात करें, यहाँ पर इन्होंने दिया भैया थोड़ा सा, यहाँ पर अगर ये 30-40 रुपये एक्स्ट्रा खर्च देते ना वो ज़्यादा बढ़िया रहता, LED डाल देते तो, पर जो भी है अच्छा है, ठीक है। रूफ अगर स्टीयरिंग कंट्रोल्स आ जाते हैं अपने, स्टीयरिंग कंट्रोल अपना म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल यहां से कर सकते हैं अपना। अच्छा, ये सोर्स आ गया, ये आ गया, वॉल्यूम आ गया, मोड आ गया, तो अपना यहां से सारा कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां से फोन आ गया तो यहां से उठाना है या काटना है वो यहां से अपना हो जाएगा। तो ये अपना माइक रहेगा यहां पे। अच्छा, ये माइक है स्पेशली, मतलब आवाज एकदम व्यू क्लियर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। बिल्कुल,
भाई माइक देखो बहुत बड़ा, मैंने किसी गाड़ी में देखा नहीं है अभी इतना, क्योंकि गाड़ी में मोस्टली इस पे होता है माइक। बिल्कुल सर, यहाँ पे छोटा सा था बट इसमें देखिए आप काफी स्पेस के साथ दे रहा है कि ताकि वॉइस जो क्लियर जाए, मतलब गाड़ी में दिक्कत ना आए किसी को बात करते, जैसे सोचते हैं गाड़ी रुक के बात करे। हाँ, वो परेशानी नहीं आएगी। तो अभी जब से ये भाई बोल रहे हैं तब से गाड़ी स्टार्ट है और गाड़ी की आवाज अगर बिल्कुल नहीं आ रही, एसी भी चलाया हुआ है हमने, फैन चलाया हुआ, सॉरी ये अब एसी चला दिया, तो आवाज इतनी खास नहीं है गाड़ी की। अच्छी बात है, जितनी साइलेंट गाड़ी होती है उतनी अच्छी। आप पीछे चलते हैं दादा, इसका हो गया। ये देखिए भैया स्पेस देखिए, मैंने गाड़ी सीट्स ना पीछे की ना आगे की, पीछे भी बैठ के दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आ रही है भैया स्पेस, ये आ गया, बड़ा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। पीछे चलते हैं, देखिए और ये देखो भैया बड़े इजीली यहाँ पर बैठ चुके हैं, और मैंने गाड़ी की ना सीट आगे की है ना पीछे की है, और अभी भी देखो भैया एक बार अगर देख सकते हैं तो ये अपनी लेग स्पेस आ रही है प्रॉपर। ये भाई की कितनी हाइट है? मेरी सिर्फ 5'8" 5'8" और आराम से मेरी भी 5'7" ही है बेसिकली, तब भी खुला आ रहा है। और ये दो ये रियर में भी एसी वेंट्स दिए गए अपने। अच्छा, कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल मतलब ओपन और क्लोज, कि पीछे वाले सोचते कि छोटा केबिन है कि आगे से कवर, पर नहीं, पीछे वाले के लिए अलग से दे दिया है। और ये जो डिजाइन है ये भी बड़े अच्छे लगे, ट्विटर दिया हुआ है? ये ट्विटर है सर, ट्विटर है। चार स्पीकर के साथ चार ट्विटर, चार स्पीकर और चार्जर। और कौन सी कंपनी के? 3D साउंड है। कौन सी कंपनी के? रेनो के खुद के अपने मैन्युफैक्चरिंग। और 3D साउंड है, जैसे हम सोचते कि स्पीकर सिर में दर्द करते वो नहीं है। ये तो म्यूजिक एक और चीज देखिए, एक और चीज देखिए, ये तो आ गया स्पेस यहाँ पर लेकिन मेरे को एक और स्पेस मिल गई है भैया, ये भी स्पेस मिल गई है। देखिए पता नहीं था ये भी है यहाँ पर, मेरे को लगा था ये सीट कवर डलवाने। ये देखिए अपना आर्मरेस्ट, इजीली ये मतलब दोनों काम कर रहा है हमारा। हाँ, ये अपना पावर विंडो का भी काम करता है और इजीली आर्मरेस्ट का भी काम कर रहा है हमारा, मतलब इजीली सेंटर में आपका आर्मरेस्ट आ जाता है। ये देखिए सर, यहाँ पे अपना बोल्टर वगैरह नहीं, कितना वेट झेल सकते? ये देखिए, ये मैं सारा इस पे खड़ा हो गया सर, ये देखिए फिलहाल कुछ नहीं है। दोबारा करना? ये देखिए सर, सारा वेट मैंने इस पे कैरी कर दिया अपना, बट फिर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है, ये मोबाइल आ गया, आप मोबाइल रख सकते हो यहाँ पर। दो भैया बॉटल्स, अगर आपकी फैमिली जा रही है बिल्कुल सर, तो बच्चों को पीछे बिठाइए और दो बॉटल्स रख दीजिए, बिल्कुल वो भी खुश आराम से ऐसे बैठ सकते हैं, बड़े इजीली बैठ सकते हैं। तो ये पीछे का बेसिकली मैं लेटा हुआ हूँ भैया, अभी देर को आधा लेटा हुआ हूँ, और लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। और आगे की सीट मैंने आगे नहीं की या पीछे नहीं की, पीछे भी इन्होंने एक और लाइट दे रखी है। अरे वाह, तो पीछे वालों के लिए तो ये दो लाइट होगी। रियर में देखो, रियर में भी चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ अपना। अरे वाह 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 वाह, बोलो तीन चार्जिंग पॉइंट? बिल्कुल सर, एक गाड़ी में तीसरा चार्जिंग पॉइंट मिल चुका है, एक तो यूएसबी केबल लाने का और घुसाने का, यहाँ पर चार्जर्स लगाने का, ताकि जैसे पीछे बंदे कि हमें आगे से केबल चाहिए बट नहीं, उनके लिए पीछे से अपना दे दिया है कि आराम से इजीली। अरे वाह, और ये एडजस्टेबल है सर। अच्छा, ये देखिए सर, नॉर्मली मैं बात करूँ, ये देखिए निकल भी जाते हैं। बिल्कुल सर, ये रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए, और सीट फोल्डेबल है? सीट फोल्डेबल 60-40 दोनों सर, मतलब हाफ हाफ सीट है ये। हाँ, दोनों 60-40 के फोल्डेबल है। अच्छा, मतलब आधी सीट यहाँ, ये हाफ सीट है, आधी सीट यहाँ। बिल्कुल सर। अरे वाह वाह, बिल्कुल। और पीछे देखो यार, अगर आपने यहाँ पर भी ये ट्रे, ये लगी लगाई आती है, ये ट्रे इसमें अपने आती है, ताकि अब छोटा मोटा कैरी मतलब 5-10 किलो तक वेट इस पर कैरी कर सकते हैं आप, अपना बच्चे का बैग हो गया या कुछ मतलब खाने का अगर सामान है इस पर हम कैरी कर सकते हैं इजीली। अरे वाह, नो डाउट। तो ये गाड़ी को बंद भी कर देते हैं एक बार यहाँ पर। तो यार ये सेकंड जो है वो भी बड़ी अच्छी लगी मुझे। अब एक ट्रैवलर को क्या चाहिए होता है? हाँ भाई, एक ट्रैवलर को क्या चाहिए होता है? चार लोगों को चाहिए होता है बूट स्पेस। हाँ, ज्यादा बूट स्पेस चाहिए होता है। तो पहले मैं सर रिवर्स की बात कर लेता हूँ। मैं रिवर्स में आपको सर शार्क फिन एंटीना आ जाता है अपना। अच्छा, ये एंटीना? बिल्कुल सर। हाँ हाँ, एंड अपना वॉशर आ जाएगा। वॉशर बोले तो? अच्छा, वो जो रिवर, हाँ, वाइपर आ जाएगा। हाँ, रिवर्स, अच्छा, ये वॉशर है, यहाँ से पानी आएगा। बिल्कुल सर, ये वाइपर है, यहाँ से साफ होगा। एंड रिवर्स कैमरा। अरे वाह, कैमरा देखेंगे लोगों के सेंटर में दिया हुआ है, इतना प्यारा मतलब लुक के साथ। हाँ,
एक्चुअली जो इससे नीचे वाला मॉडल है सेकंड मॉडल है वो इससे शायद 40-50 हजार या 60 हजार सस्ता होगा, लेकिन उसमें ये फीचर नहीं है, कैमरे की फीचर नहीं है, वाइपर नहीं है, रूफ रेल वर्केबल नहीं आती बिल्कुल, ठीक है, वाइपर नहीं है, ये वाइपर नहीं मिलेगा, ये वॉशर नहीं मिलेगा, और एलईडी स्क्रीन जो मैं आपको दिखा चुका हूं वो नहीं मिलेगी, स्किड प्लेट्स नहीं आने की, अपनी स्किड प्लेट्स नहीं आएगी बिल्कुल सर। तो इसका बूट स्पेस देखते हैं हम सर, बूट स्पेस से पहले ऊपर एक और चीज ध्यान गया मेरा, अरे बाप रे, मैंने ये सुना था कि ये वर्केबल है। वर्केबल इसका आप 50 केज तक वेट कैरी कर सकते हैं, अपना 405 लीटर का सर। इसको हम टेस्ट भी करने वाले हैं, बेसिकली क्या है कि अभी मैं एक ड्राइव पे जाने वाला हूँ और उसमें 3 या 4 लोग होंगे, तो उनके सूटकेस आ पाते हैं इसमें या नहीं आ पाते वो टेस्ट होगा, बिल्कुल सर टेस्ट होगा। लेकिन ये भैया ये सबसे ज़्यादा ट्रैक किया था कि भैया आप जो मेरे को टेंटेटिव आईडी है लिटा के एक सूटकेस, उसके ऊपर दूसरा सूटकेस, तीसरा सूटकेस, चौथा सूटकेस और यहाँ पर छोटे छोटे बैग्स, तो ये सब कुछ और अगर इससे हम कुछ ज़्यादा कर रखते हैं। देखिए सर ये इसीलिए हम पार्सल ट्रे निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब अगर नहीं चाहिए तो है ना, अगर हमारा सामान जाए तो वेट करिए और तो कर फिर तो सीधे सीधे भी आ जाएंगे, बिल्कुल सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के आसपास आ जाएंगे, बिल्कुल सर। और जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है तो अभी भैया नई गाड़ी लेने का वक्त आ चुका है, दूसरी गाड़ी धुलने जा रही है, ये मैं इस टाइम हूँ पंचकुला में, भाई हैं अभी भाई, ठीक है जी, पंचकुला से गाड़ी निकाल रहे हैं और बस ये गाड़ी धुल जाएगी थोड़ी देर में, डिलीवरी मिल जाएगी तो डिलीवरी के टाइम पे भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा शोरूम घुमा देते हैं इनका, लेकिन ये गाड़ी का एक बार दोबारा दिखाओ भाई। और ये बताओ भाई टायर वायर, टायर साइज इसका 16 इंच टायर रहेगा सर अपना। हाँ जी सर, और जो इसमें व्हील कैप्स दिए हैं अलॉयज लुक दिए गए हैं, ताकि आप इसमें आप बता नहीं सकते कि अलॉयज हैं या व्हील कैप्स हैं सर, आप देख सकते हैं। इसके अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ 205 की ग्राउंड क्लियरेंस दिए गए हैं। अच्छा, जैसे आप ऑफ रोडिंग बता रहे हैं कि जान चल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए सर, ऑफ रोडिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें सर। हाँ बिल्कुल सर, और ब्लैक फिनिशिंग के साथ, पियानो के साथ दिए गए हैं, और भी हम सपना विद टर्न इंडिकेटर के साथ में। तो ये थी गाड़ी की फीचर्स और क्यों ले रहा हूँ मैं ये गाड़ी, लेकिन अब बारी है लॉन्च की, यानी कि गाड़ी खरीदने की। तो गाड़ी फैमिली आ रही है थोड़ी देर में, केक वेक कटेगा और उसके बाद ये गाड़ी ली जाएगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा भैया आपको, और उसके बाद और सारी वीडियोस बनने वाली हैं, ठीक है जी, बाकी इंतज़ार है, पाजी भी आगे बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू पाजी, अरे अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद जी। तो ये अपने पंडित जी आ गए हैं, सर्वतस्पृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम्मा पुरुष वैदगुं सर्वं जद्भूतं जच्वा, चलो चलो चलो, वाह जी वाह।